सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा यहाँ खड़े हैं, वो भी खा लिया। जाओ उनके लिए कुछ लेके आओ। क्या कर रहे हो तुम? अरे इन्हें कांच के ग्लास की आदत नहीं है। अरे इन लोगों के यहाँ पार्टीज होती है तब प्लास्टिक के ग्लास इस्तेमाल करते हैं। यूज और थ्रो वाले प्लास्टिक ग्लासेस होते हैं ना, वो लेकर आओ। जा दामोदर जी, माफ कीजिएगा, वो मैं आपके लिए ड्रिंक्स की अरेंजमेंट नहीं कर पाई। एक्चुअली अजीत ने मुझे कहा था कि शराब का कुछ इंतजाम करो, लेकिन मैंने ना बोला। वो क्या है ना, आप जब शराब पीते हो तो आप में नहीं रहते हो, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पार्टी एक तमाशा बन जाए। अरे अभी तक वो वेटर नहीं आया, मैं जरा देख के आती हूँ। ये क्या कर रही है वैसे कतई? जानबूझकर मानव और उसके परिवार का अपमान कर रही है। मुझे तो लगता है कि ये पार्टी उन्होंने इन लोगों की बेइज्जती करने के लिए रखी। अजय, तुझे मित्र नहीं आले? संजय नहीं आला, माधो नहीं आला। फोन किया था ना, ये तो बार बार ठीक है। अरे तुम माना उसके परिवार वालों के साथ क्या कर रही है? क्यों उनकी इतनी इंसल्ट कर रही है? क्यों तुझे बड़ा बुरा लग रहा है? अकाय ऐसी बात नहीं है, लेकिन तू जरा अपनी इमेज का तो ख्याल कर, उसका क्या होगा? तू मेरे इमेज की चिंता मत कर। अरे गिरे हुए को और गिराने से मेरे स्टेटस में, मेरे रेपुटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो बस शुरुआत है, जब पार्टी रंग लाती है ना तब देखना मैं क्या करती हूँ। हाय हाय, तो खास करके उस सफलता के साथ। आज सुबह अगर आकर बहुत कुछ सुनाया था उसने मुझे, लाओ लेना।
माफ कीजिएगा, ये म्यूजिक मैंने ही बीच में रुकवाया है। वो इसलिए कि मुझे ऐसे लगता है यही सही समय है जब मैं अपने स्पेशल गेस्ट को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। और वो मेरी स्पेशल गेस्ट है मेरी समधन सविता ताई। सविता ताई आ जाइए ना मेरे पास। शायद आप लोग नहीं जानते, सविता जी सोने की बहुत शौकीन है। इन्होंने अपनी सोने जैसी बेटी मुझे बहू के रूप में दी है, इसीलिए इन्हें कुछ गिफ्ट देकर मैं वो एहसान चुकाना चाहती हूँ। सोच रहे होंगे मैं ये घुंघरू क्यों दे रही हूँ। वो इसलिए कि सविता जी बहुत अच्छा नाचती भी है। इतना अच्छा कि लोग देखते रह जाते हैं, तालियां बजाते हैं, रुमाल उड़ाते हैं। और ताई की इस कला का सम्मान करने के लिए मैं ये घुंघरू उन्हें भेंट दे रही हूँ। सविता जी लीजिए ना, ये घुंघरू तब तक शोभा नहीं देंगे जब तक आपके पैरों में नहीं बन जाएंगे। प्लीज लीजिए, बांधिए अपने पैरों में और एक फड़कती लावणी नचा के दिखाइए। कि हमारे मेहमान भी जान सके कि हमारे समधन में कितना हुनर है। लीजिए ना ताई, आप ना मत कहिए। आपको ये करना ही होगा अपनी बेटी के लिए। अब देख क्या रही है ताई, दीजिए पहनिए इन्हें। आपने तो कहा था आप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, तो अब क्या हुआ? और वैसे मैंने बहुत मुश्किल काम तो नहीं बताया आपको, मैंने सिर्फ यही बताया है जो आपको अच्छा लगता है। दीजिए बांधिए घुंघरू, अगर आपने नहीं लिए बेटी के शरीर पर एक घाव की जगह 10-10 घाव मिलेंगे। पहनिए।
आपको ये करना ही होगा अपनी बेटी के लिए। अगर आपने ये नहीं लिए तो बहुत पछताएंगे आप। आपकी बेटी के शरीर पर एक घाव की जगह 10-10 घाव मिलेंगे। देखकर तोहफा देने वाली की नियत पता चलती है और आज आपकी नियत पता चल चुकी। अर्चना एकदम चुप। आपको जो करना था जो बोलना था आप बोल चुकी और कर भी चुकी, लेकिन अब बोलूंगी मैं और सुनेंगी आप। क्यों रखी थी इतनी बड़ी पार्टी? क्यों बुलाया था हम लोगों को यहाँ? हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए या हमें बेइज्जत करने के लिए? क्या जताना चाहती थी आप? यही ना कि आपने अपनी हैसियत से कितना नीचे उतरकर अपने बेटे की शादी करी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई एहसान नहीं किया आपने हम पर। आपके बेटे की करतूत की वजह से आपने ये सब कुछ किया। बड़ी महिला समिति की अध्यक्ष बनती फिरती है ना, इंसानियत के नाम का ढिंढोरा पीटती रहती दुनिया भर में, तो कहां गई आज आपकी वो इंसानियत? बड़ी बड़ी बातें करने वाली रसिका ताई अंदर से इतनी छोटी, ये असलियत है आपकी। आज आपको कोई आपकी असलियत बताए ना बताए, लेकिन मैं आपको आपकी असलियत दिखा कर रहूं। आज सारी दुनिया जानेगी कि रसिका ताई अपना बदला लेने के लिए किस हद तक गिर सकती है।
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास के साथ इस तरह का बर्ताव करने की? जिनका नाम तक लेने की आपकी औकात नहीं, आपने उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती की? क्या समझती आप अपने आप? क्या समझती आप अपने आप को? किस चीज का घमंड है आपको? अपने पैसे का या अपनी झूठी शान का? माना कि मेरी आई गरीब है, उनके पास पैसा नहीं, लेकिन इंसानियत के मामले में आपसे कई ज्यादा अमीर। चार बातें मुंह पर सुना देंगी, लेकिन जब उनकी बहू पर कोई आ जाएगी ना, तो सबसे पहला हाथ आगे बढ़ने वाला उनका होगा। ये होता है सास बहू का रिश्ता, लेकिन आप उन रिश्तों को नहीं समझ सकती, क्योंकि रिश्ते वो समझते हैं जिनमें जज्बात होते, लेकिन जज्बात वो समझते हैं जिसमें इंसानियत होती है। अर्चना! चुप! अजीत तुम चुप रहना, आज तुम एक शब्द मत बोलना। अगर अपनी इज्जत इन लोगों के बीच बनाए रखना चाहते हो ना, तो एक शब्द मत निकलना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि जिंदगी भर इन लोगों के सामने अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें अपनी आई की इस घिनौनी हरकत को देखकर? अगर तुम्हारी आई को भी कोई 20 महफिल में नाचने को बोले तो? अर्चना! चुप! अगर तुम्हारी आई को भी कोई 20 महफिल में नाचने को बोले तो? अर्चना! चुप! शर्म आनी चाहिए अजीत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी के घर वालों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तुम चुप बैठे हो? रोक सकती थी। आपको भी यही लगा ना कि आपकी आई ने जो किया वो बिल्कुल सही किया? और रसिकता, ये मत समझिएगा कि मेरे घर वाले आपकी इस हरकत का जवाब नहीं दे सकते। अगर वो जवाब देने पर उतर आए ना, तो आपका एक एक मुखौटा फाड़ कर रख देंगे। याद है ना आपको, मैंने और मानव ने सिर्फ एक कदम उठाया और आपकी महिला समिति की कुर्सी आपसे छीन ली गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब मिलकर कोई कदम उठाए और आपको इस शहर छोड़कर जाना पड़े। और जहां तक सवाल है जवाब देने का ना, तो हम सब जानते हैं कि हमारी बेटी बंधु आपके घर की बहू है, और रसिका ताई महिला समिति की अध्यक्ष अपनी बहू के साथ किस तरीके का बर्ताव करती है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब जब आप अपनी हद पार करेंगी ना, तब तक मैं आपको अपनी असलियत दिखाने के लिए वहां पहुंच जाऊंगी। अब तक सवाल मेरी जिंदगी का था, लेकिन अब सवाल मेरी सास का और मेरे घर वालों के आत्मसम्मान का है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई चली। हाय, आपको जो कुछ कहना ना मुझे घर जाकर कहना। ताई करना, चल चला। जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे,
नजदीकियां क्या हो दूरियां।